हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ फरजीन। वेलकम टू फरजीन फूड मैजिक। आज हम बनाने वाले हैं मटन चॉप फ्राई, बिल्कुल मेरे स्टाइल में। बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी रेसिपी है, जो घर में अवेलेबल आइटम्स है उसी से हम बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले हम चॉप का मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून दही लिया है। इसे हम अच्छे से पहले फेंट लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 टेबलस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 चम्मच सॉल्ट। क्यों वो मैं आपको बाद में रेसिपी में बताती हूँ। फिर 1 टेबलस्पून के करीब करीब मैंने तंदूरी मसाला शान का ऐड किया है, एवरेस्ट का भी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा विनेगर, वन टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है, मैंने एवरेस्ट का ऐड किया है। आपके पास अगर घर का बना हो या कोई और कंपनी का हो वो भी आप डाल सकते हैं। वन टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट हम ऐड करेंगे इसमें। अब सिंपली हमें क्या करना है, इन सबको मिला लेना है। तो आपने हाथ से भी कर सकते हैं, बट विस्कर की मदद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि जो दही वगैरह है वो अच्छे से फेंट जाएगा इसके अंदर। अब ना इसमें मैंने ऐड किया है रेड चिली फ्लेक्स, उसके जो दाने होते हैं ना रेड चिली के, तो ये फ्राई करने के बाद चॉप्स पे बहुत अच्छे दिखते हैं। तो मैंने ये भी इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब। साथ ही अगर आपको चाहिए तो आप रेड फूड कलर ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और मैंने यहाँ पे तिल जो होती है उसको मैंने 1 टीस्पून के करीब करीब इसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था हल्का सा, और वो भी इसे ऐड कर दिया है। क्या होगा जब फ्राई करने के बाद में रेड चिली फ्लेक्स के दाने और तिल के दाने बहुत अच्छे निखर कर आते हैं। अब यहाँ पे चाप है ना, उसको मैंने पहले से ही 1 ग्लास पानी, उसमें थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डालकर इसे बॉयल कर लिया है। 1 विसल लेना है और साथ ही 25 मिनट्स के करीब करीब इसे लो फ्लेम पर पकाना है। ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं, 80-90% हम पका लेंगे। अब सिंपली हमें क्या करना है, तो ये ऑलरेडी पके हुए हैं, इसके ऊपर हम मैरिनेटेड मसाला जो है वो हम इस पर लगा लेंगे और इसे रेस्ट करने के लिए तकरीबन 1/2 घंटा रेफ्रिजरेट कर लेंगे, या फिर आप इसे क्लिंग रैप लगा के साइड में रख दीजिए थोड़े टाइम के लिए। तो है ये थोड़े से श्रिंक हो गए हैं, आपने देखा, क्योंकि हमने इसे पकाया है। कच्चा आप लोगे तो वो काफ़ी फैले हुए रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसे ऑलरेडी पका लिया है, तो फ्राई करते वक्त आपको उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हार्डली 5-10 मिनट्स में ये चॉप्स फ्राई करके हमको मिल जाएंगे। अब ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख लिया है और इसे हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। इसे गोल्डन कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। तो सारे चॉप्स हम इसमें डाल देंगे, तकरीबन 5-7 मिनट्स लगेगा आपको। तो बहुत ही सिमर करके लो फ्लेम पे आपने इसे पकाना है। क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं, इसलिए इनको कलर भी जल्दी आ जाएगा और ये अंदर तक पके हुए ही है। तो फटाफट आपने जस्ट इसे कलर आने तक फ्राई कर लेना है। देखिए इसका एक साइड जो है वो फ्राई हो चुका है, तो इसे हम टर्न कर लेंगे और फ्लिप करके दूसरे साइड पर भी हम 7 से 8 मिनट पका लेंगे। इसके ऊपर आप देख सकते हैं वाइट तिल और रेड चिली फ्लेक्स के दाने जो है ना, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। जब आप सर्व भी करोगे ना तो ये बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, सर्व करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है।
बहुत ही लो फ्लेम पर ही मैंने इसे पकाया है। दिस इज ऑलमोस्ट डन। तो अब हम इसे फ्लेम ऑफ करके निकाल लेंगे एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाए। इस डिश को आप ऑनियन रिंग, नींबू और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी थी ये रेसिपी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद फज़ीन्स फूड मैजिक फॉर मोर सच वीडियोज़।